यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी करके पूरी तरह खंडर में बदल चुके मारियुपोल शहर की मदद करने के लिए दुनिया भर से अपील की। और एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ आप देखिए रूस की सेना यूक्रेन के उन इलाकों में लोगों की मदद में जुट गई है जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें रूस की सेना के जवान लोगों को खाने पीने का सामान बांटते हुए दिखाई दिए। पहले कई ट्रकों में ये सामान वहां पहुंचाया गया और फिर एक मैदान में इसे बांटने का काम किया गया। इस मैदान में सैकड़ों लोग सामान लेने के लिए लाइन में खुद खड़े हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर आप देखिए रूस के सैनिक किस तरीके से आम लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। खाने पीने के पैकेट्स यहाँ पर बांटे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कई शहरों में जिस तरीके से तबाही हो रही है वहां पर हर एक स्टोर तबाह हो चुका है और ऐसे में संकट यहाँ पर लगातार गहराता हुआ खाने पीने को लेकर। लेकिन अब रूस की सेना मदद कर रही है। यूक्रेन रूस युद्ध को 24 दिन बीत चुके हैं, ऐसे में अब बात करते हैं उन हथियारों की जो यूक्रेन की मदद के लिए उसे दुनिया के दूसरे देशों से मिलने वाले हैं। रूसी सेना की तबाही को रोकने में ये हथियार यूक्रेन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब देखिए वो हथियार जो यूक्रेन की सेना को मिलने वाले हैं और जेलेंस्की के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। ये है स्विच ब्लेड कॉमिकेज ड्रोन। अमेरिका ऐसे 100 ड्रोन दे रहा है। दूसरा है ब्रिटेन का स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी रेंज 7000 मीटर तक है। सबसे पहले बात करते हैं स्विच ब्लेड ड्रोन का जो एक छोटे लॉन्चर के साथ कहीं भी एयरबॉर्न किया जा सकता है। ये ड्रोन अपने आप में एक उड़ती हुई छोटी सी मिसाइल है जिसमें आगे कैमरा और सेंसर लगे होते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन का एनिमेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि यह कैसे काम करता है। जैसे ही यह जमीन पर अपने टारगेट को देखता है तो उसके आसपास मंडराना शुरू कर देता है, फिर यह एक गाइडेड मिसाइल की तरह उस पर वार करता है। स्विच ब्लेड एक हवाई गुरिल्ला युद्ध का हिस्सा कहा जाएगा जो टैंक के साथ रडार सिस्टम और हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना सकता है। अब देखिए स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम जिसे लेकर रूसी वायुसेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। स्टार स्ट्रीक की एयर डिफेंस मिसाइल आवाज से 3 गुना रफ्तार से चलती है और ये 7000 मीटर के दायरे में हेलीकॉप्टर ड्रोन और किसी भी फाइटर जेट को गिरा सकती है। अभी ये सिस्टम यूक्रेन में डिप्लॉय नहीं किया गया है लेकिन जब यूक्रेन की सेना इससे लैस हो जाएगी तो रूस के लिए कीव और खार्किव जैसे शहरों पर बमबारी करना बहुत खतरे वाला मिशन बनना तय है। इसलिए देखा जाए तो रूस की सेना को यूक्रेन में लगातार बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। उसके कई कमांडर इस जंग में मारे जा चुके हैं और वो जेवलिन और एनलॉ जैसे हथियारों के जरिए ही टारगेट बनाए गए हैं। अभी ये मिसाइलें और ये हथियार यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे हैं। वो जमीन पर चाहे अकेला लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन उसे ऐसी मदद अगर जारी रही तो पुतिन को यह युद्ध बहुत महंगा पड़ सकता है। और इस जंग के बीच यूक्रेन के खार्किव में एक बिल्ली को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो बिल्ली मलबे के नीचे दबी दिखी। जैसे ही लोगों की नजर उस पर गई उन्होंने रेस्क्यू टीम को खबर दी। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के इवानों में ये मिसाइल से हमला किया गया है। हथियारों का गोदाम नष्ट करने का दावा यहां पर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले में यूक्रेन का मिसाइल डिपो भी तबाह किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। पश्चिमी यूक्रेन में मिसाइल का इस्तेमाल किया है। पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है यूक्रेन पर। रूस की तरफ से पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए यह बड़ा हमला किया गया है यूक्रेन के इवानों में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दिया है जिसमें हथियारों का गोदाम जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, नष्ट हो चुका है। मिसाइल डिपो भी तबाह हो चुका है यूक्रेन का। इसके साथ ही पश्चिमी यूक्रेन में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि बेहद घातक और खतरनाक, जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है, जिसका इस्तेमाल पहली बार रूस की तरफ से किया गया है।
अभी तक आप देखिए जमीन से लेकर आसमान तक किस तरीके से हमले लगातार होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब इन हमलों को आगे बढ़ाते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस कर रहा है पश्चिमी यूक्रेन में। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर चारों तरफ। और रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए युद्ध में तबाही के मिसाइल दागे हैं। ये पहली बार है जब किसी देश ने युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। आइए आपको बताते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत क्या है। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से जाती है। इसकी रफ्तार 6115 किलोमीटर घंटा तक हो सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल सटीक निशाना लगाने में सक्षम है, साथ ही इस मिसाइल पर परमाणु हथियार ले जाने की भी क्षमता है। हाइपरसोनिक मिसाइल 2000 किलोग्राम वजन के हथियार ले जाने में सक्षम है, जबकि इसकी मदद से 6000 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्य को भेजा जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में भी सहन कर सकती है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका अब पहली बार रूस की तरफ से इस्तेमाल किया गया। रूस की बमबारी खार्किव पर भारी। जंग जब घरों के दरवाजे तक आ जाए तो ये जंग ना आक्रमणकारी के लिए आसान होगी, ना उस देश के लिए जो जंग की तबाही को झेल रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट्स, रोजमर्रा की जरूरत वाली इमारतें, बाजार, सब कुछ ध्वस्त हो रहे हैं। रूस के हमले दिन ब दिन तेज ही होते चले जा रहे हैं। खार्किव पर बरसते बारूद के बीच कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिन्हें देखकर लगता है कि शहर पर कयामत बरस रही है। आग और धुएं की ये तस्वीरें खार्किव के सबसे बड़े बाजार की हैं। इलाके में रूस ने इतना जोरदार हमला किया कि पूरा इलाका दहल उठा। हमले के बाद वहां कई इमारतों में आग लग गई। जल रहे मार्केट से उठते धुएं ने कई किलोमीटर के हिस्से को ढक दिया। आग बुझाने के लिए 100 से ज्यादा दमकल कर्मचारियों को एक साथ लगाना पड़ा। एक की जान भी चली गई, लेकिन आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा नहीं कि आग सिर्फ खार्किव के एक ही इलाके में लगी हुई, ऐसे ही हालात खार्किव के मेरेफा इलाके में भी दिखाई दिए। वहां भी रूस की तरफ से बमबारी की गई। हमले का ये वीडियो वहां की एक बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में हमले से पहले वहां देर तक सन्नाटा पसरा दिखा, पर जैसे ही मिसाइल अटैक हुआ, वीडियो के साथ अलग अलग आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। मिसाइल के गिरते ही वहां आग का एक गोला उठता नजर आया, जबकि तेज धमाके की वजह से कई गाड़ियों के सायरन बजने लगे।